अस्सलामवालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कंसर्न थे मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से। इस साल की मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से कि रिपीटर्स जो 2021 के हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे या फिर तमाम सब्जेक्ट्स के जो हैं मार्क्स काउंट होंगे, तो इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि डिफरेंट एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके मेरिट कैलकुलेशन में जो है वो रिपीटर्स के क्या मेरिट कैलकुलेशन होगी, उनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे, साइंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे या फिर तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे। तो इस हवाले से PMDC का जो है जवाब सामने आ गया है, तो इस हवाले से देखते हैं। तो दोस्तों, PMDC की जानिब से जवाब दिया गया है कि विद रेफरेंस टू योर क्वेरी रिगार्डिंग द इलेक्टिव मार्क्स ऑफ FSC प्री मेडिकल 2021, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट मेरिट कंपाइलेशन इज़ द मैटर ऑफ ईच रिस्पेक्टिव प्रोविंस। यानी PMDC की जानिब से कहना है कि आपने जो क्वेरी शो की थी इलेक्टिव मार्क्स ऑफ FSC प्री मेडिकल 2021 के हवाले से, उस हवाले से आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि मेरिट कैलकुलेशन जो है, मेरिट कंपाइलेशन है, वो तमाम जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस से उनका अंदरूनी मामला है। तो इस हवाले से जो है आपको अपनी प्रोविजनल जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है अपने प्रोविंस की, उससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन कंसर्न यूनिवर्सिटी का ही हक है कि वो फुल मार्क्स जो है अडॉप्ट करते हैं या फिर इलेक्टिव मार्क्स सब्जेक्ट के मार्क्स को अडॉप्ट करते हैं जब वो मेरिट कैलकुलेशन को फाइनलाइज करते हैं। तो दोस्तों, अब इस बात से जो है हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारी जो सूबाई सतह पर जो हमारी दाखिला करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें जैसे UHS है, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KMU वगैरह है, शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पर जो है इस बात का तयन करेंगी कि वो इलेक्टिव मार्क्स को कैलकुलेट करती हैं या फिर फुल मार्क्स को जो है वो ड्रॉप करती हैं जब वो रिपीटर्स का जो है जो 2021 के सेशन से या दूसरे सेशन से हैं उनके मार्क्स का जब कैलकुलेशन करती हैं, मेरिट कैलकुलेशन करती हैं, तो वो कौन सा जो है वो फार्मूला उसके हवाले से अपनाती हैं। तो दोस्तों, ये जो है तमाम तरह सूबाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़, उनका हक है कि वो इलेक्टिव मार्क्स या फिर फुल मार्क्स को अडॉप्ट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इलेक्टिव मार्क्स या फुल मार्क्स के जो मामला था बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो चुका होगा। ये थी तमाम तरह वीडियो इस हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।